हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं पालक पनीर की सब्जी, जिसको आयरन बूस्टर की सब्जी भी बताते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा पालक लेंगे, एक चम्मच काला नमक, अदरक, स्वीट कॉर्न ले रहे हैं, ये नहीं है तो भी चलेगा, और फिर थोड़ा सा पनीर ले रहे हैं हम, जीरा और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। मसाले में हम एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी और एक चम्मच मिर्ची पाउडर और दो चम्मच धनिया का पाउडर ले रहे हैं। तेल 3 टेबलस्पून ले रहे हैं और 2 लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता ले रहे हैं। पहले पालक को अच्छे से धो के कुकर में आधी भर के पानी हम उसमें पालक डाल देंगे और एक बाउल में थोड़ा सा हम पानी डाल के स्वीट कॉर्न को उसके अंदर डाल देंगे। याद रखिएगा कि पालक ना पूरी तरह से भीगना चाहिए पानी के अंदर। अब हम इसको ढक के हम 2 विसल आने तक अच्छे से पकाएंगे। चलिए 2 सीटी हो गया। अब 5 मिनट के बाद हम इसको निकाल के इसके पेस्ट बनाने के लिए शुरू करते हैं। ये जो पालक है ना, ये अच्छे से पका हुआ है, अब इसके पेस्ट बनाते हैं। आपके पास मिक्सर है तो मिक्सर यूज़ कीजिए, वरना मैं तो यहाँ चॉपर यूज़ कर रही हूँ। ये पालक के सब पत्तों को निकालने के बाद स्वीट कॉर्न को हम उसी बाउल में ले लेंगे। चलिए पहले थोड़ा सा इसका पेस्ट बना लेते हैं। देखिए पेस्ट रेडी भी हो गया। अब एक कटोरी में हम तेल डाल के जीरा डालेंगे, तेज़पत्ता और फिर हम लाल मिर्च भी ऐड कर लेते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से हम भून लेते हैं। भूनने के बाद अदरक जो लिया था ना, उसको हम किस के डालेंगे। अगर आपके पास ये अदरक की पेस्ट है ना, वो भी आप डाल सकते हैं, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब हम पालक की जो पेस्ट है ना, वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको ऐसे ही 2 मिनट तक अच्छे से हमें पकाना है। 2 मिनट के बाद हम थोड़ा सा पानी डालना है। अब हम यहाँ पालक के पानी यूज़ कर रहे हैं, वो पौष्टिक भी होता है। उसी पानी को आप चटपाती में भी यूज़ कर सकते हैं। 1-2 मिनट के बाद ऐसे अच्छे से उबल आने के बाद हम काला नमक ऐड कर लेते हैं और सारा का सारा मसाला भी ऐड कर लेते हैं। हल्दी, लाल मिर्च, धनिया का पाउडर और जीरे का पाउडर सारे का सारा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पनीर को डाल के 1-2 मिनट के लिए अच्छे से हम चलाएंगे। उसके बाद हम स्वीट कॉर्न को डाल के मिक्स करेंगे। स्वीट कॉर्न ऑलरेडी पका है, इसीलिए वो थोड़ी देर के बाद हम डालेंगे। 1-2 मिनट इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करने के बाद अब हमें थोड़ी देर के लिए ढक के भी पकाना है, 4 से 5 मिनट तक। हमारा ये 4 मिनट हो चुका है और अब हम इसमें से तेज पत्ता निकालेंगे। अगर आपको मिर्ची नहीं पसंद तो मिर्ची भी निकाल लीजिएगा। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।